हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आरएस की वैकेंसी आने वाली है और जैसे ये बात आपके जहन में उतरती है कि आरएस की वैकेंसी आने वाली है, वैसे ही आपके शरीर में सिहरन उठनी चाहिए कि क्या मैं वाकई इसके लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ। तो सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने होने चाहिए, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और फिर आप कितना सही कर पा रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पुराने सालों के जो पेपर्स हैं, और स्पेशली मैं कहूँगा कि आईएएस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी देखें, क्योंकि आरएएस के क्वेश्चन पेपर्स नए पैटर्न के हिसाब से इतने ज़्यादा हैं नहीं। तो आईएएस के क्वेश्चन पेपर्स खूब सारे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन हो तो उसको छोड़ के बाकी वाले क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज आप अपनी जो भी स्टडी है, पढ़ाई है, उसका मूल्यांकन उससे ही कर सकते हैं, पुराने आईएएस के क्वेश्चन पेपर्स देख के। तो अपने इकोनॉमी अब तक जो पढ़ी है तो प्लीज इसका देखें आप कि आपके आईएएस के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या वो क्वेश्चंस आपसे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और अब तक की जो चीजें हैं, इससे मेंस से भी अगर कोई इन टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो क्या आप उस क्वेश्चन को करने की स्थिति में हैं या नहीं है। तो प्लीज, और स्पेशली मैं ये नहीं कहूंगा कि मॉडल क्वेश्चन से आप जो है वो अपने तैयारी को तैयार करें, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उसमें कई ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्लीज पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखें और स्पेशली आईएएस के क्वेश्चन पेपर्स, पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाएं और उसमें मेरे ख्याल से अरियंत जो है वो सब्जेक्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देता भी है, तो उनको डिस्कस करें। तो मैंने कहा है मेरी टीम को कि वो क्वेश्चन पेपर लाएंगे, आईएएस के सेलेक्ट करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक एक्सचेंज, इनसे रिलेटेड पिछले सालों में आईएएस में कितने क्वेश्चन आए हैं और अब तक अपन ने जो पढ़ा है क्या उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या हम उनको कवर कर पा रहे हैं, हम एग्जाम ओरिएंटेड चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो उससे पता चलेगा आपको कि भाई आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। सर, एक सजेशन है कि स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी का एक बैग या टी शर्ट उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, अगली बार आओगे तो आपका स्वागत टी शर्ट से करेंगे। तो सोच रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं, इमिडिएटली नहीं सोचे हैं लेकिन हम सोच लेंगे। ठीक है, किसी चीज के लिए इम्पेशेंस बिल्कुल चीज कैसी है डिपेंड करता है उसमें। ठीक है, तो उस पे डिपेंड करता है कि उसके लिए आप इम्पेशेंट, धैर्यवान जो हो जाते हो और पूरी तरह से समर्पित। सबसे पहली बात तो खैर अपन बात करें तो पेशेंस तो होना ही चाहिए। ठीक है, और आजकल तो सफलता का सूत्र जो है, पहले किसी जमाने में आईक्यू को माना जाता था। ठीक है, बाद में जो कि आईक्यू जिसका तेज होता है वो होता है, फिर बाद में देखा गया कि एक्सपर्टिज्म जिसका तेज होता है वो जो है वो सफल ज्यादा होते हैं, आईक्यू की बजाय पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपर्ट होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद में ईक्यू पे जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उस पे ज्यादा जो है ध्यान दिया गया, पर आजकल जो है पेशेंस क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाता है कि जो भी कोई भी व्यक्ति जितना पेशेंस रखेगा जीवन में वो उतना ही सफल होगा। वैसे मुझे अपने आप को अभी कोई बहुत ज्यादा सफल लोगों में तो मैं नहीं आता हूं, इसलिए मुझे अपने आप को सफल लोगों में काउंट करवाने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। लेकिन फिर भी अगर छोटा मोटा देखूं, मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूं और उनके लिए, तो मेरे जो घर वाले हैं, मेरे आसपास के फ्रेंड हैं, उनकी नजर में मैं बहुत सफल आदमी मानते हैं वो मुझे। हालांकि मैं अपने आप को ऐसा कुछ नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो दूसरे लोग इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि उनकी तुलना में अपन क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर अगर मैं मेरे घर वालों को, दूसरों की अगर नजर देखूं, और आप में से भी कुछ लोगों को लगता होगा, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां यहां तक भी, और मेरे दूसरे फ्रेंड्स जो हैं उनकी तुलना में अगर मैं हूं यहाँ पे, तो भाई क्या था, पेशेंस रखने के अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी, और पेशेंस रखा इसलिए इतने साल तक 97 में ग्रेजुएशन की, 2006 तक जो है वो एग्जाम दिए, और 2006 में कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, 2011 में कोचिंग इंस्टीट्यूट ढंग से थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ था, तो इतने साल पेशेंस ही पेशेंस रखा था। अगर नहीं रखता और जल्दी से मैं इधर उधर हो जाता तो शायद जिंदगी में मैं सफल नहीं हो पाता।
हमारे साथ के लोग थे जिनके परसेंटेज बहुत ज्यादा थे, बहुत इंटेलिजेंट थे मुझसे वो लोग, लेकिन उनके पास इतना पेशेंस नहीं था, उनको जल्दी से किसी न किसी तरीके की सरकारी नौकरी चाहिए थी, तो इसलिए वो उन्होंने फटाक से जो भी नौकरी मिली उन्होंने वो ले ली। ठीक है, तो पेशेंस तो होना ही चाहिए, इसलिए इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए आदमी को, पेशेंस रखना चाहिए। पर उसके बाद भी किसी चीज को पाने की एक इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इंटेंसिटी तो जैसे गुरु और चेला जा रहे थे, तो गुरुजी ने कहा कि भाई चेला गुरुजी को बार बार मत अखा रहा था, ऐसा हमारे उधर की कोई भजन है या कहां किससे चलते हैं अपने गांवों में नॉर्मली जो है कि चेला गुरुजी कह रहा था कि ये भगवान को इतना तो चाहते हैं अपन, इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी माला जपते हैं, मिलता तो है नहीं, क्या मतलब है, इतना तो मैंने किसी को ही नहीं चाहा। तो गुरुजी से रहा नहीं गया, तो गुरुजी ने कहा कि चल बता तू मेरा कितना सम्मान करता है, तो साहब आपका खूब करता हूं, पूरा रेस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, पूरा ही रेस्पेक्ट करता है हाँ, और ईश्वर को भी सच्चे दिल से तू भी पुकारता रहता है, तो वहां प्रार्थना सच्चे दिल से करता है, बिल्कुल सब सच्चे दिल से करता हूँ। फिर गुरु और चेला दोनों गए नदी में नहाने के लिए, और नहाने के लिए जो चेले ने डुबकी लगाई तो गुरु जी जो है उसके ऊपर बैठ गए, उसको पकड़ के अंदर डुबा दिया। चेले को लगा ये क्या कर रहे हैं गुरु जी, तो थोड़ी देर तो देखा चलो कोई नहीं गुरु जी है गुरु जी है गुरु जी, पर थोड़ी देर बाद जब उसको सांस नहीं आई तो उससे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आपक हो गया और उसने एकदम से झटके से गुरुजी को उछाल के फेंक दिया एक तरफ, और बाहर निकल के जो है सांस ली। तो गुरुजी ने कहा कि चले दो बातें, पहली बात तो तूने कहा कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, अगर तू मेरा इतना ही सम्मान कर रहा होता, बहुत ज्यादा ही कर रहा होता, तो बस ये कि भाई इसके पूरा समर्पण है जैसा कि तूने कहा, तो भाई भले मैं तुझे मार देता तो मर जाता, लेकिन नहीं, उस समय मुझसे भी ज्यादा प्रिय तेरे सांस लेनी थी उस समय, और सांस नहीं आती है ना तो आदमी कंट्रोल आपा खो देता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और दूसरी बात ये कि तू कहता है ना ईश्वर को चाहता हूं, ईश्वर को प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कि जिस तरह की ललक तेरे अंदर सांस लेने की थी, किसी भी हालत में सांस तो आनी ही चाहिए और नहीं आई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, वैसी ललक अगर ईश्वर के प्रति किसी दिन लगेगी ना तो ईश्वर मिल जाएगा तुझे। तो सफल होने के मामले में भी जिंदगी में वही है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको वैसी ही ललक अगर लगे कि उसके बिना तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते, तो ही आपको सफलता जो है वो मिलती है। हमारे कई फ्रेंड हैं जो सफल हुए और हम लोग उस समय सफल नहीं हुए थे, सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो अगर हम उनकी जो इंटेंसिटी थी पढ़ाई के प्रति, लक्ष्य के प्रति उनका जो प्रेम था, उससे अगर हम कंपेयर करें तो हमारे वाला थोड़ा कम ही था, और हम ये एक्सेप्ट भी करते हैं, हम लोग दोस्त आपस में बैठे रहते हैं तो जो जितना ज्यादा सफल हुआ उसके लिए हम मानते भी हैं कि भाई वो नहीं 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 उसकी जो पढ़ाई के प्रति जो ललक थी, जो सफल होने की चाह थी वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो सफल होने के लिए वैसी ललक होना जरूरी है, जिस तरह की पानी में डूबते समय सांस लेने की ललक होती है, उतनी ललक सफल होने के प्रति है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर एक कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करें, कृपया बताएं कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करें, ये प्रश्न नहीं चाहिए इस समय जब एग्जाम आपके सर पे है। कंटिन्यूटी ही है आपके जीवन दिन में 24 घंटे का जो दिन होता है, इसमें खाने पानी पीने सोने के अलावा अगर कोई चीज हो तो वो सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, पढ़ाई। और दिन सुबह शाम दिन रात रोजाना पढ़ाई कर रहे हो तो वो कंटिन्यूटी ही है, और अब भी अगर तुम्हारी कंटिन्यूटी नहीं है ये तो बहुत चिंता का विषय है। कंटिन्यूटी तो वैसे होनी चाहिए। कंटिन्यूटी क्या होता है, रोजाना क्लासें चल रही है, क्लासें लेनी है, और मैं तो कहूं कि बस पढ़ाई के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। दो साल जिंदगी है, बस ये दो साल मेहनत करनी है, उसके बाद सब मौज ही मौज है। और दो साल तो अपने झोंक दो पूरी तरह से,
और उसके बाद तुम जो निखर के आओगे जिंदगी के किसी भी फील्ड में जाओगे तो असफल नहीं होगे। इसलिए कंटिन्यूटी वाला प्रश्न अब आपके होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही और शाम को सोने तक पढ़ाई के अलावा दूसरा विचार दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सुबह उठते ही कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहली बात है कि सुबह उठते ही शाम को ये तय करके सो, टेबल के ऊपर रजिस्टर रख के सो, प्लानिंग करके सो कि कल मुझे सुबह उठते ही 4 घंटे में ये पढ़ना है। उस रजिस्टर को जो पढ़ना है या उस बुक को टेबल के ऊपर रखो, रफ पेज पेन रखा हुआ होना चाहिए। और सुबह उठते ही पहला काम, प्लीज फोन मत देखो। तुम में से 90% लोग सुबह उठते ही सोशल मीडिया के मैसेज देखते हैं। तुम सौगन खा लो, अपने मम्मी की सौगन खा लो, अपने पापा की सौगन खा लो, या तुम्हें इनसे भी ज्यादा अगर कोई प्रिय है तो उसकी सौगन खा लो कि बस मैं सुबह उठते ही सोशल मीडिया नहीं देखूंगा। एटलीस्ट सुबह 10 11 12 बजे तक तो नहीं, वैसे पूरे दिन नहीं देखो तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन 10 11 12 बजे तक एक तो सोशल मीडिया नहीं देखना है और एक न्यूज़पेपर नहीं देखना है। ठीक है, और आप जो तय करके बैठे हो बस सुबह उठते ही सीधे वॉशरूम जाओ, टॉयलेट करो, कुल्ला करो, आंखें छांटने की भी जरूरत नहीं, पानी पियो भरपेट और पढ़ने बैठ जाओ और कंटिन्यू 1-2 घंटा जो है वो पढ़ लो। उसके बाद नहाना करना फ्रेश होना वगैरह बक सब बाद में करो। तो मैं कह रहा हूं कि सुबह उठते ही जो काम अपन करते हैं पूरे दिन वही काम करने की इच्छा स्वतः होती है। सुबह उठते ही सोशल मीडिया देखेंगे, पूरे दिन सोशल मीडिया देखने की इच्छा होगी। सुबह उठते ही न्यूज़पेपर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज है पूरे दिन वही न्यूज दिमाग में घूमती रहेगी, उससे रिलेटेड चीजें घूमती रहेगी। और सुबह उठते ही अगर पढ़ाई की है तो पूरे दिन अपने आप पढ़ाई होगी और उसके बाद तुम्हारी कंटिन्यूटी को कोई हिला ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये है, इसलिए तुम्हारी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो ये 2-3 बातें, पर मैं रोज कहता हूं मानता कोई नहीं है, और अगर मानने लग जाए लोग तो प्रॉब्लम ही क्या है। अभी कल ही मैं वॉक कर रहा था, मेरे घर के पास गार्डन है, मैंने सभी स्टूडेंट्स से कह रखा है कि शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम से हल्के हल्के में वॉक करो एकांत में, और जितना पढ़ा है पिछले 10 दिन में उन सब बातों को रिवाइज करो। पूरी की पूरी चीज याद नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, उसके जो हेडिंग्स है टर्मिनोलॉजी है, तुम इकोनॉमी की पूरी टर्मिनोलॉजी को याद कर दो, जो जो टर्म्स आई है ना उनको रोज पढ़ते रहो मन में रिवाइज करते रहो, अपने आप बाद में जो कंसेप्ट है वो अपने आप क्लियर हो जाता है। कोई भी कंसेप्ट अपने को समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसमें टर्मिनोलॉजी ज्यादा होती है और वो टर्म्स को आत्मसात किए बिना वो समझ में नहीं आते। ठीक है, तो 1 घंटा रोजाना शाम को वॉक करो, और वॉक कर अकेले में करो, और घूमते 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 जितना पढ़ा है पिछले 10-15 दिन में सबको रिवाइज कर लो, और हो जाता है अच्छे से पढ़ा हुआ था। और कल ही मुझे मिले थे कई नमूने, 3-3, 4-4 लोगों के ग्रुप में बैठे थे, नमस्ते सर, और वहां बैठे गप्पे मार रहे थे, अरे सर अभी अभी लाइब्रेरी से आए ही हैं, दिन भर से पढ़ रहे हैं और इसलिए देखा थोड़ी देर तो खाना खा लिया, हाँ सर खाना खाया नहीं पर अब वॉक करने आए थोड़े। तो अब फिर कैसे कंटिन्यूटी बैठेगी इस तरह से, अगर आप टाइम वेस्ट करोगे दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारोगे तो फिर ठीक है। तो प्लीज इन सबको, सर सिलेबस में स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट अलग क्यों लिखा है? नेहा, नेहा इसमें स्टॉक का तो मतलब स्टॉक में शेयर मार्केट भी, शेयर भी आ जाते हैं, शेयर के साथ साथ जो है डिबेंचर वगैरह बॉन्ड ये सब आ जाते हैं, इन सबको स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें जो सिलेबस में रिपीट कर रखी है, तुमने केवल एक ही पकड़ी है, और मैंने कहा शायद सिलेबस डिस्कस किया था उस दिन, बताया भी था और नहीं बताया था, अगर प्री का सिलेबस डिस्कस किया था या नहीं किया था, नहीं किया तो अपन कल कर दे। सर टेल स्ट्रेटेजिक टिप्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी वी आर एंजॉइंग, मनमोहन सिंह ने लिखा है कि स्ट्रेटेजी बताओ एग्जाम को पास करने की। स्ट्रेटेजी ये की है कि सिलेबस को सामने रखो, दीवार के ऊपर लगा होना चाहिए, उसमें लिखे हुए जो पॉइंट्स हैं
याद हो जाना चाहिए, प्री का पूरा सिलेबस इस समय आपको याद होना चाहिए, मेंस का सिलेबस आपको याद होना चाहिए, और पुराने सालों के पेपर्स आपके टेबल पे पड़े होने चाहिए। सिंपल सी चीज है। लोग आते हैं क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, अरे क्या पढ़ना कैसे पढ़ना, हम कितनी चीजें बताएंगे, हम बुक्स बता देंगे। बुक्स में फिर आप आओगे कि सर टॉपिक बताओ, तो वो हम टॉपिक चलो कोई टीचर बता देगा। टॉपिक में भी इतने सारे सब टॉपिक होते हैं, सब टॉपिक में भी इतनी सारी लाइनें होती, कौन सी याद करनी कौन सी नहीं करनी है। ये जब तक आपका खुद का सिक्स सेंस डेवलप नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है। और आप क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यह हर आदमी का खुद का सिक्स सेंस डेवलप होना चाहिए। ठीक है, पांच इंद्रियां तो है ही है, छठी जो इंद्री है आपके अंदर, छठा जो सेंस है, वो जागृत होना चाहिए क्या पढ़ना है। और वो कैसे जागृत होगा, वो सिलेबस और पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स दिमाग में रखोगे तो वो अपने आप इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ये चीजें पढ़नी है। कोई दूसरा आपको जो है वो स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता, आपके अंदर से आएगी स्ट्रेटेजी और अंदर से आने का तरीका यही है। और कौन के सर कहां पुराने पेपर पढ़े, हमसे तो ये नोट्स ही पूरे नहीं होते, इसीलिए नहीं होते हैं कि तुम ईमानदारी से पढ़ाई कर नहीं रहे। अगर सुबह शाम जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि उठते ही पढ़ने बैठ जाओ और दिन भर पढ़ो, तो पांच दिन में आपको लगेगा आज मैं ऊपर आसमान नीचे बस उड़ता फिरूं मैं हवाओं में बादलों में, ऐसा फील होगा और पूरी दुनिया तुमसे नीचे नजर आएगी तुम्हें, पर अफसोस कि तुम इतने पढ़ नहीं सकते। टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दो महेंद्र। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। कुछ इसके अलावा जो है ये है कि सर